हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। इसी तरह आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो गाइस, आज है जुमा। सबसे पहले जुमा पढ़ना है, उसके बाद जुमे के दिन जो होती है तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या होती है जुमे के दिन। तो अभी चलते हैं, जुमा पढ़ के आते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। गाइस, तो मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ और मैं आप लोगों को बोल रहा था जुमे वाले दिन क्या होता है। जुमे वाले दिन होती है जुम्मा बिरयानी। ओए होए, आपको पता है मोबाइल मार्केट में जुम्मा बिरयानी है, तो वहाँ जा रहे हैं बिरयानी खाने। मैंने जवाब को भी नींद से उठा दिया, नमाज तो इसने पढ़ी नहीं है तो अभी पकड़ो मोबाइल मेरा थोड़ा। तो चलते हैं, अभी बैग को किक मारते हैं, निकलने की करते हैं। चलो फाइनली पहुंच गए हम जुम्मा बिरयानी पर। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने लिए टोकन लेना है। टोकन वहाँ से मिलता है जहाँ से पहले सिनेमा की टिकट मिलती थी। ठीक है, अब वहाँ से हमें टोकन लेना है बिरयानी का। मैंने ली थी अपने लिए सिंगल, ठीक है, और डबल है 450 की, सिंगल है 230 रुपये की, क्योंकि हमने इतनी नहीं खानी थी, हमने खाली टेस्ट करना था और टेस्ट में तो ये पास हो गई है वैसे। तो अभी टिकट टोकन वगैरह लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से दी जा रही है प्लेटों में बिरयानी आगे, तो आगे से फिर आगे बढ़ाई जा रही है। देखें आप लोग किस तरीके से ये बिरयानी तकसीम हो रही है, लोगों में तकसीम हो रही है, फ्री में नहीं हो रही है, पैसे देके तकसीम हो रही है। तो यहाँ पर हो रही है पार्सल की सिस्टम। ठीक है, ये पार्सल का सारा सिस्टम है। पार्सल भी ये बड़ी बड़ी ट्रे में लेते हैं, उसके बाद फिर उसको शॉपर में डालते हैं। जैसे ये पार्सल का इधर इतनी बड़ी लाइन लगी हुई, आप लोग देखें जब हम गए थे बिल्कुल भी रश नहीं थी, तकरीबन थोड़ी सी रश थी। जब मैंने जवाब को खड़ा कर दिया था, मैंने बोला आप खड़े हो जाओ, ठीक है, तब तक मैं वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। जवाब खड़ा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि इनकी सर्विस इतनी फास्ट है, 2 से 3 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। आप भले कोने पर खड़े हो, बिरयानी ख़त्म हो जाती है उसकी अलग बात है, लेकिन यहाँ पर नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि इतनी फास्ट ये लोग काम कर रहे हैं सारे। लेकिन कितना फास्ट काम कर रहे हैं लोग, अभी देखें आगे। वीडियो बहुत बड़ी वीडियो है, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पर। ये 8वीं डे स्टार्ट हो गई है गाइस, तो आप लोग देखें किस तरीके से चल रही है 8वीं डे। अलग से इन लोगों ने वाइट चावल अलग रखे हुए हैं और मसाले वाले अलग रखे हुए हैं। जिसको मसाले वाले चाहिए वो मसाले वाले खाएगा, और जिसको वाइट चावल चाहिए वाइट चावल खाएगा, और मिक्स करके भी देते हैं लोग, वाइट और दोनों ऊपर नीचे करके दे देते हैं। तो यहाँ पर हो रही थी बूटियाँ जो बच जाती है ना, और था भी बीफ, वो मज़ा ही आ गया था। बड़े बड़े का गोश्त था, वह भी बच गया। तो यहाँ से जो गोश्त बच गया था ना, वो जो देग मैंने आपको दिखाई उसमें से निकाल के दूसरी देग में जाया जा रहा, वो ज़्यादा हो गया था गोश्त। तो ये आ गई एक और देग, 9 देगें हो गई हैं भाई फाइनली। ये अब जो वाइट चावल हैं वो अलग करेंगे और मसाले वाले अलग होंगे। देखें किस तरीके से गरम गरम देग में हाथ डाल रहे हैं, वो भी दस्ताने पहनकर। ये वाइट चावल आ गए, सारे वाइट चावल, टेस्ट यार क्या टेस्ट था इसका भी। खाके भी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लें, हम खाके भी बताएंगे। जीत लिया है इसने भाई, जीत लिया है। मैं बोलता हूँ कराची की नंबर 1 बिरयानी का अवार्ड दिया जाए जुम्मा बिरयानी को, बड़ी VIP बिरयानी है यार। तो ये रश देखें आप, वहाँ से रश स्टार्ट हो रही है कोने से, और यूँ घूमते हुए आ रही है।
लोग खा रहे भाई हैं यहाँ पर बैठ के। यहाँ पे भाई वो सिस्टम नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि टेबल वगैरह भी मिलेगी हमें, टेबल वगैरह वाली सिस्टम नहीं है। अपनी बाइक पे बैठो या कहीं फुटपाथ पे जाके बैठो, लेकिन बिरयानी लोग इस तरीके से खा रहे हैं। मैंने बोला यार यही तो जज्बा है कराची वालों का, जिधर जल्द बोल रहे उधर जाके बैठ के खा रहे हैं बिरयानी। ये शर्म महसूस नहीं कर रहे कि यहाँ पर बैठेंगे हम लोग। तो ये देखें लोगों ने अपने ठेले वेले भी लगाए हैं, उनके ऊपर बैठे हैं, उनके ऊपर बिरयानी की रख के खा रहे हैं। अभी रश चेक करें यार, रश चेक करें कितनी रश है यार। माशाल्लाह अल्लाह और बरकत डाले इनके काम में। आओ तो फिर टेस्ट मारते हैं बिरयानी का। सबसे पहले हम वहाँ से उठाएंगे बीफ अपने लिए अलग से। ओए होए होए बिल्कुल नरम नरम था। तो अभी ये थोड़े चावल वहाँ से उठाए, थोड़े यहाँ से उठाए, टेस्ट मारते हैं। ये मज़ा ही आ गया। तो एक और निवाला मारते हैं। जल्दी मार भाई, जवाब को भी तो खाना है ना, जवाब भी तो बेचारा खड़ा हुआ। तो गाइस ये बच्चा आ गया था मेरे पास, बोला था यार मुझे, मैंने बोला 2 मिनट रुको मैं आपको करवाता हूँ कोई सीन। तो बच्चे को भी मैंने सीन करवा दिया था। तो अभी जवाब खाएगा, जवाब से पूछते कैसी है बिरयानी, कैसी थी भाई, खा के चेक करो बताओ और कैसी है। वे वे वे, ये जवाब करने वाला चेक करें। वे वे, कैसी है भाई ये बताओ, मज़े की है। वे वे। तो गाइस ये देखें कितनी रश लगी, ये तकरीबन 2 बज गए थे अभी तक रश लगी हुई थी, और आप लोग देखें कितनी रश है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, हमारे व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। अच्छी थी।